हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल। और बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर स्कैल्पिंग कैसे करें, स्कैल्पिंग के लिए सब कुछ बताओ, हमें स्कैल्पिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्कैल्प कैसे करें, स्कैल्पिंग होती क्या है, कब करें, क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी से करें, और स्कैल्पिंग की अभी ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक बात बोलनी है। हम ऐसे जोन में या सिचुएशन में आए हैं जहाँ पे मार्केट काफ़ी लंबे समय तक साइडवेज रहने या रह सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। देखो, ये फेजेस मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि मार्केट तीन फेजेस में होता है। पहला होता है ट्रेंडिंग फेज, दूसरा होता है वॉलेटाइल फेज, तीसरा होता है साइडवेज फेज। तो ये तीन फेजेस मार्केट के होते हैं। और अब अगर देखो, यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है, ट्रेंडिंग फेज हो चुका है, यहाँ पर वॉलेटाइल फेज हो चुका है, ये वाला पोर्शन हम वॉलेटाइल फेज बोल सकते हैं। और अगर आप देखोगे मार्केट अब कहीं ना कहीं साइडवेज फेज में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज, 2022 से एग्जैक्ट एक साल हो चुका है, निफ्टी 18,000 पे था। अभी करंटली ये जो बाइंग मोमेंटम है रिसेंट कुछ एक दो महीनों से आया, बट अगर आप देखोगे प्राइस 2022 से अक्टूबर 2021 से निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको निफ्टी 20 फॉर एग्जांपल इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो ये 18,000 से पे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। तो अब आपको ना थोड़ा साइडवेज फेज आपने देखा होगा या मार्केट, अब ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। हम इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में ये एग्जांपल कैसे दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो ये मार्केट ट्रेंडिंग हो गया था इस फेज में, अब जो अप्रैल फेज था, मई फेज था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आने के बाद ट्रेंडिंग हो गया, उसके बाद वॉलेटिलिटी और फिर साइडवेज। ट्रेंडिंग हुआ, ये वॉलेटिलिटी साइडवेज हो गया, उसके बाद ट्रेंडिंग हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, फिर बीच में ये वी शेप वॉलेटिलिटी, फिर साइडवेज। तो बेसिकली मार्केट हमें पता है कि ट्रेंडिंग वॉलेटिल साइडवेज होने वाला है। अब यहाँ पर कौन सा फेज आ चुका है, ट्रेंडिंग वाला फेज, अब हमें वॉलेटिलिटी और उसके बाद साइडवेज फेज दिख सकता है। तो इस मेरा ये फेजेस समझाने का मोटो क्या था, ट्रेंडिंग में हर कोई पैसा बनाता है, वॉलेटाइल और साइडवेज में दो फेज में लोग पैसा गवाते हैं। यहाँ पे अगर समझो 1 लाख बनाया आपने, यहाँ पे आप 3 लाख गवा देते हो, प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि आपको एक स्कैल्पिंग मेथड या स्कैल्पिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग आना आपको बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट में कोई भी पैसा बना सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप बाय करो, मार्केट बस रैली पे रैली, रैली पे रैली करेगा, पैसा। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल्स, ट्रैप्स और बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना। आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपका माइंडसेट ये होता है कि यार मुझे 100 पॉइंट चाहिए, 150 पॉइंट चाहिए, बट मार्केट एक ही फेज में, ट्रेंडिंग फेज में ही उतने पॉइंट्स देता है। अभी आपको मैंने साइकोलॉजी समझाई कि स्कैल्पिंग आना सीखना क्यों ज़रूरी। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जो रूल्स यहाँ पे देख रहे क्या रहेगा, मार्क लेवल्स ऑन 15 मिनट। ठीक है, मार्क लेवल्स ऑन 15 मिनट मतलब क्या करना है आपको, 15 मिनट पे लेवल्स मार्क। अब अगर हम यहाँ पे इसको 15 मिनट करेंगे तो मेजर लेवल्स आपको मार्क करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से, क्योंकि 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे लेवल्स ड्रॉ किए तो आपको यहाँ पे सारे लेवल्स दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़े इंट्राडे के या करंट मार्केट के थोड़े लेवल्स बना, ये हमारा सपोर्ट आ गया, राइट, ये हमारा सपोर्ट आ गया, उसके बाद हमारे हमें ये हमें ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, राइट, ये ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, और एक और यहाँ पे हम एक और सपोर्ट मिल सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट था तो इतने ज़्यादा लेवल्स नहीं मिले, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा लेवल्स मिलते हैं। ये वाला एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये मार्केट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें जाना है, लेवल्स मार्किंग होने के बाद हमें जाना है 1 मिनट पे। यहाँ पे देखो मैंने 15 मिनट पे सब मार्क किया और 1 मिनट पे आ गया। 1 मिनट पे आपको थोड़ा क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है कि देखना है कि सारे लेवल्स इसको मैच कर रहे हैं क्या, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे लेवल्स इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि ट्रेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम स्कैल्प कर रहे हैं, तो स्कैल्प के लिए हमें चाहिए सबसे जल्दी एंट्री, क्विक एंट्री, ठीक है, और स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। लाइक नॉर्मल ट्रेड्स में अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम अगर नॉर्मली समझो 1 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 लॉट, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद अगर आप देखोगे कि थर्ड पॉइंट क्या है, एम फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब टारगेट एम फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्यों, अब स्कैल्पिंग में बोलते सर कितना पॉइंट लेना चाहिए, ये किसी को नहीं पता कि कितना पॉइंट आ सकता है, बट अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास एम करें तो हमें इजीली वो टारगेट मिल सकता है। अब जैसे मैंने निफ्टी में ये वाला जो एक ट्रेड लिया था,
ठीक है, ये मैंने स्कैल्प के पर्सपेक्टिव से लिया था और मेरा यहाँ पे जो टारगेट था ये था, ये टॉप था राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद रैली करता गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेल यूज कर लिया। बट अगर समझो यूजुअली मार्केट इतना ट्रेंडिंग नहीं होता और मोस्टली इस टारगेट से ही, इस रेजिस्टेंस को हिट होते से मार्केट नीचे आ जाता डबल टॉप बना के, अगर एक साइडवेज फेज होता तो। इसलिए हमारा जो टारगेट होगा वो कभी भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखो कैसे मार्केट आया। अब सारे यहाँ पे लेवल्स जो रूल्स है हमारे फॉलो हो चुके हैं, मार्क हो चुका है यहाँ पे एम फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, 15 मिनट पे मार्किंग हो गई, 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। अब हमें क्या क्या यूज करना है इसमें ट्रेड फाइंड करने के लिए, लेवल्स यूज करने, रिवर्सल्स या लिक्विडिटी, ये 3 चीजों पे के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। नाउ मैं आपको यहाँ पे पहला समझाता हूँ लेवल्स। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, मैं क्या पता चला कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, मार्केट दो बार सपोर्ट ले। अब हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल पे एक मार्किंग डालेंगे और यहाँ पे हमें स्विंग भी मिल चुका है, रेजिस्टेंस का स्विंग भी मिल चुका है। अब हमें क्या क्या चीज़ें यूज करना है 1 मिनट के लिए। अब ये जो लेवल्स मिल चुके हैं, दो दो जगह से स्विंग लिया, आपको यहाँ पता चला कि ट्रेंड लाइन बन चुका है, हमें क्या करना है, एंट्री जो है कब लेनी है, हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए। अब हमें पता है ये सपोर्ट है, जाके बाय करने के तुरंत नहीं, हो सकता है मार्केट ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल टच करके जाए, मार्केट कंफ्यूज करता है, नीचे जाएगा थोड़ा लगा तो, थोड़ा यहाँ पे लगा तो स्टॉप लॉस खाएगा, फिर कुछ तो ऐसा करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो हमें कन्फर्मेशन कहाँ मिल सकता है, जैसे इस केस में कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिला राइट, यहाँ मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग पोजिशन लगाई, लेवल क्रॉस होते से स्टॉप लॉस बिलो दिस सपोर्ट लगाया, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, तो टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस, कितने पॉइंट मिले, 14 पॉइंट्स मिले, ये जैसे ही रेजिस्टेंस हिट हुआ, हिट रिवर्स हो गया, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 14 रुपीज आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, लेवल्स यूज़ किए, हमने टारगेट क्या रखा, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट रखा। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या यूज़ करना है, रिवर्सल्स और लिक्विडिटी, वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा मूव कब आता है, मैंने लिक्विडिटी पे एक पूरा कंसेप्ट समझाया, पूरा वीडियो बना, मार्केट में सबसे बड़ा मूव कब, बेसिकली जब भी मार्केट में वॉल्यूम आता है वो कब आता है, फॉर एग्जांपल ये कोई लेवल और मार्केट इसको मतलब ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जो प्राइस है ये ब्रेक हो रही है, तब लोग क्या होता है, हो जाते हैं एक्टिवेट, हो जाते हैं बायर्स सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, इसे हम लिक्विडिटी आना बोलेंगे, वॉल्यूम आता है और यहाँ पे सबसे क्विक मूवमेंट वाले हमें ट्रेड्स मिलते हैं। अब हमें ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है उस पे है ना, मैंने कंप्लीट यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, चेक करना, इस हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, प्लीज़ इसको चेक करना ताकि आपको कंसेप्ट समझे ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड, फेक ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाए मैं वो बता। देखो कभी भी ब्रेकआउट की हमारी उस वीडियो में मैंने क्या एक्सप्लेन किया, ब्रेकआउट की एंट्री हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर नहीं होगी बल्कि सपोर्ट पर ही हम दे, जैसे यहाँ पे सपोर्ट पर ही बाय कर लेंगे ताकि ब्रेकआउट के पहले ही हम उस ट्रेड में बने रहे। ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है पैसा बनेगा, ब्रेकआउट फेल होता है उस ट्रेड में ट्रेलिंग लेकर निकल जाएंगे। बट फेक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, देखो अब जब ब्रेकआउट आता है लिक्विडिटी आ रही है, ब्रेकआउट होने दो, जाने दो, ठीक है, ऊपर गया छोड़ दिया, लेकिन आपको दिखा पिक बना के नीचे क्लोज, क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया, नीचे की क्लोजिंग होगी, लोगों को ट्रैप कर दिया। अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हम यहाँ पे शॉर्ट, अब यूजुअली इसके ऊपर हमारा SL रहेगा, ठीक है, किसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बिकॉज अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज हुआ है इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा एंट्री यहाँ पे शॉर्ट करना है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो सपोर्ट लेवल रहेगा, ग्रीड नहीं करना है, बिकॉज क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आपको देखो 9 पॉइंट्स इजिली मिल गए, ऐसे तो बाद में रैली किया राइट, लेकिन उसके पहले देखो सपोर्ट लिया, हो सकता था यहाँ पे W बना के ट्रेड रिवर्सल, है ना। हम यहाँ पे स्कैल्प की बात करें, अगर ये बड़े ट्रेड्स कैसे कैप्चर करने हैं उसके लिए हमें अलग सेटअप अलग प्लान। तो आप बोलते हो सर आप भी तो ऐसे ही टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे ट्रेड करते हो और ऐसे ही स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हो, राइट, मैं भी ऐसे ही लगाता हूँ, बट मेरी जो साइकोलॉजी या माइंडसेट होती है वो बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने की होती है, मैं कभी स्कैल्प बोलकर ट्रेड में नहीं घुसता, अगर मुझे दिखता है स्कैल्प वहाँ बन रहा है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, नो डाउट वहाँ पे ट्रेड्स बनते हैं, ऐसे सेटअप्स बनते हैं, बट मैं देखता हूँ कि क्या मुझे उस ट्रेड में बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है, क्या मुझे 15 मिनट के लेवल कोई पास में दिख रही है, क्या
क्योंकि मैं 15 मिनट यूज करता हूँ फॉर डायरेक्शन। मैं देखता हूँ कि अगर 15 मिनट का कोई सपोर्ट लेवल है, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवल रैली कर, तो मैं 1 मिनट पे ये देखूंगा कि क्या मुझे 15 लेवल की मार्केट सपोर्ट करेगी। बट अगर आप सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, राइट, 15 मिनट की लेवल्स तो रहेगी, नो डाउट 15 मिनट की लेवल्स बहुत स्ट्रांग रहेगी, बट आपको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि मुझे 15 मिनट के लेवल तक वेट करना है या 15 मिनट के लेवल्स पे ही मुझे ट्रेड करना है। तो 15 मिनट के लेवल्स बड़े बड़े लेवल्स होंगे जहाँ पे आपको बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। 1 मिनट के लेवल आपको हेल्प करेगी टारगेट्स क्विकली लेने के लिए। आपको क्या एम, जैसे मैंने यहाँ पे रूल क्या लिखा है, एम फॉर योर नेक्स्ट टारगेट, एम फॉर योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट, सपोर्ट भी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट का सपोर्ट, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करता तो मेरा क्या होता, एम फॉर नेक्स्ट 15 मिनट लेवल, ये होता सपोर्ट, तो मैं ये ट्रेड, राइट। तो अब निफ्टी की बात करें तो हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट कभी मिनिमम मुझे लगता है 10.8 से 10 पॉइंट का आपको आसपास स्पेस चाहिए तभी ट्रेड प्लान करना। जैसे यहाँ पे हमारी एंट्री के बाद नेक्स्ट सपोर्ट 10 पॉइंट के आसपास, तो ओके रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा, बिकॉज अगर दो तीन रुपए का स्टॉप लॉस लगता है तो 1:5 आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स पे मिलेगा। अगर मार्केट और नीचे रहता है 15 पॉइंट का ले लो। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप माइंडसेट स्कैल्प के से ट्रेड कर रहे हो तो होल्डिंग में मत जाना, क्योंकि आप क्या होगा स्कैल्पिंग में आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो, एक की जगह डबल ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्विकली बुक करना। अब मैं आपको है ना सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो, प्रोज कॉन्स एंड रूल्स बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले प्रोज बात करेंगे, आपको सबसे बेस्ट पार्ट है हेल्प्स इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट, ट्रेंडिंग हो, साइडवेज हो, वॉलेटाइल हो, खराब मार्केट हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, हर मार्केट में सूटेबल है हर मार्केट। उसके बाद रेड्यूस योर चांस ऑफ ब्लोइंग कैपिटल, इसका मतलब क्या होगा कि देखो अगर आप स्टॉप लॉस ही 2-3 रुपए का लगा रहे हो तो आपका कैपिटल ब्लो होने का चांस चला जाता है, बिकॉज हम बहुत लोग क्या करते हैं होल्डिंग में चले जाते हैं, बड़े टारगेट्स के लिए होल्डिंग में चले जाते हैं, प्रीमियम समझो 200 पे खरीदा, वो जाते जाते उनको लगता है रिकवर होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, वो एंड करते 50 में एग्जिट कर देंगे, 60 में एग्जिट, 60 में एग्जिट कर देंगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट स्कैल्पिंग का आपका माइंड सेट सेट होता है कि भाई मुझे स्मॉल एसएल देना है और मुझे ट्रेड जो है तुरंत कट करना है, होल्डिंग में नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद है बेस्ट है फॉर ऑप्शन बायस, ऑप्शन बायस के लिए जन्नत है, क्योंकि थीटा डीके का इशू नहीं है, जैसे डेल्टा बढ़ा, डेल्टा स्पाइक हुआ, एकदम इंस्टेंट पैसा मिलेगा, प्रीमियम बढ़ेगा, तो बेस्ट है ऑप्शन बायस। कौन सा बता दो सबसे बड़ा कौन, ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि क्या लगता है स्कैल्पिंग है और पहले ट्रेड, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं तो क्या होता है हम 10-15-20 ट्रेड लेते हैं और अगर लॉस भी हो जाए तो हमें लगता है कि यार अगला स्कैल्प रिकवर होगा, अगला स्कैल्प रिकवर होगा, तो ओवर ट्रेडिंग जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद है चांस ऑफ मिसिंग बिग मूव्स, अगर मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग हो गया, 500-1000 पॉइंट रैली कर गया, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी जैसे अभी लास्ट दो दिन जो मार्केट था बहुत रैली कर रहा था 1-1% की, तो आप वो चांसेस है बड़े मूव जो है मिस कर सकते हो। बट आप वैसे टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फिर स्कैल्पिंग करनी है या फिर मैं ट्रेलिंग एसएल यूज कर करके स्कैल्प करूँ, मतलब कैसे कि टारगेट 1-8 हुआ तो स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल कर लिया, बट इससे क्या होता है कई बार आप जो प्रॉफिट स्कैल्पिंग से मिलने वाले अच्छे वो ट्रेलिंग एसएल में बार बार चले जाएंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ट्रेलिंग एसएल यूज करके स्कैल्प करना है या टारगेट 1-8 होते से नेक्स्ट रेजिस्टेंस बुक कर। आप अंदाजा लगा सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके कि लास्ट 2-3 दिन मार्केट साइडवेज था तो हो सकता है आने वाले दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, तब आप थोड़े बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी रिसेंटली जैसे 2 दिन ट्रेंडिंग मार्केट था तो अब मैं स्कैल्प स्मॉल पॉइंट्स के लिए, स्मॉल टारगेट्स के लिए कर सकता हूं। अब यह है कि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ब्रोकरेज, जैसे 1-2 लॉट 3 लॉट 10,000 15,000 20,000 वाले कैपिटल वाले जो ट्रेडर्स है उनको ब्रोकरेज काफी लग जाता है, बिकॉज अगर हम देखेंगे 40 देखो 20 रुपीज ऑर्डर प्लेस करने का जाता है, 20 रुपीज एग्जिट करने का जाता है, टैक्सेस चार्जेस और सब मिला के एक लॉट पे और 30-40 रुपए लग जाता है, अराउंड अप्रॉक्स 80 रुपीज का आपको पर लॉट ब्रोकरेज लगता है। तो आप इमेजिन करो पर ट्रेड, आप इमेजिन करो कि आप 10-20-30 ट्रेड ले रहे हो तो आपको पर ट्रेड कितना ब्रोकरेज लग जाता है, तो स्मॉल अकाउंट वालों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। के बाद अब रूल्स की बात करते हैं, रूल्स होगा कि 2-3 ट्रेड्स मैक्स लो, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज उससे ज़्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप क्या करोगे आपको अगर कोई लिमिट नंबर नहीं लगाओगे तो आप ओवर ट्रेड कर दोगे और उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी ट्रेडिंग से ब्रोकरेज बढ़ेगा, माइंडसेट खराब होगा और फिर यू नो मज़ा चला जाता है, ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो ना तो फिर वो
आप कैप्चर जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उससे डबल गंवाना शुरू करते हो, ठीक है। उसके बाद एक क्वांटिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस। अब क्वांटिटी कितनी लेनी है, ऑन एन यूजुअल आप मान लो एक लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, आप एक लॉट के ट्रेडर, यहाँ पे दो लॉट, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई जाएगी, बिकॉज एक लॉट में आप ट्रेड कर रहे थे तब आप स्टॉप लॉस बड़ा लगा रहे थे 10 पॉइंट्स का लगा, अब यहाँ पे दो लॉट में ट्रेड कर रहे हो लेकिन स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का लगा रहे हो, तो जो रिस्क है इक्वली हो गया, है ना। और उसके बाद एस एल शुड बी स्मॉल। ऐसा नहीं कि भाई 10 पॉइंट का टारगेट के लिए 10 पॉइंट का एस एल लगाया, क्योंकि क्या होता है अगर समझो ट्रेड रिवर्स जा रहा है, ट्रेड रिवर्स जा रहा है तो हम क्या करते हैं, बहुत लोग स्कैल्पिंग में क्या करते हैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, रिवर्स जा रहे तो होल्ड 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 करते हैं और फिर मतलब ही नहीं बनता, टारगेट ही 10 पॉइंट का और स्टॉप लॉस अब 20 पॉइंट तक होल्ड कर रहे हो तो ट्रेड पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। सो ये प्रोज हो गए, ये कॉन्स हो गए, ये रूल्स हो गए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है स्कैल्पिंग, कि आप रूल्स फॉलो करोगे और सारी चीज़ें माइंड में रख के अगर एज ऑप्शन बायर आप करते हो तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बैंक निफ्टी में जैसे बहुत बड़े बड़े जो कैंडल्स है एकदम से वॉलेटाइल मूव्स आते हैं, बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो यहाँ पे भी स्कैल्पिंग में मज़ा आ सकता है। निफ्टी प्रैक्टिस के लिए सेफ ट्रेड करना है तो निफ्टी बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको यू नो एकदम से बड़ा लॉस नहीं होगा, स्मूथ मार्केट रहता है। बट बैंक निफ्टी में क्या होता है, अगर आप एकदम से ट्रेड लेते हो एकदम से दो चार कैंडल 100 पॉइंट्स की भी बन जाती है, तो क्योंकि बैंक निफ्टी की लॉट साइज भी ज़्यादा है, तो आप बैंक निफ्टी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको बहुत ही वॉलीटिलिटी चाहिए, और अगर आपको सेफ स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। इसका सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको एक्सपायरी पे, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी पे थीटा जो होता है टाइम वैल्यू वो सबसे कम होता है, और जब एक मूव आता है एकदम से डेल्टा स्पाइक होता है, आपने देखा होगा एक्सपायरी पे प्रीमियम कैसे स्पाइक होता है, तो उस स्पाइक में आप इंस्टेंटली पैसा बना के निकल जाओगे, और वो जो स्पाइक्स होते हैं ऑप्शन सेलर के उसमें लॉस होता है, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जब प्रीमियम एकदम से ऊपर बढ़ता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही, मैंने तो बस आपको एक स्कैल्पिंग का एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी बोला। इन डेप्थ अगर आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजी समझनी है, लिक्विडिटी पॉइंट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने मास्टर स्टूडेंट बंडल में समझाया है, मास्टर बंडल में सिखाया है, यहाँ पर जाकर बस कोर्स कंटेंट भी देख लोगे तो आपको इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ पे ट्रेडिंग सिखाई जाती है। तो बस एक पार्ट था, अगर आपको ऐसे ही चीज़ें चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो मास्टर बंडल का। और वीडियो कैसे लगी, क्या आप स्कैल्पिंग पे शिफ्ट होगे या आप क्या नॉर्मल ट्रेड ही करोगे, कमेंट में बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना।